तो गाइस क्या आपको पता है कि शुगर में क्या आग लग सकती है गाइस? शुगर अगर आग में हम लोग शुगर वगैरह डाले तो आग जो है जल्दी मतलब लगने लगती है। शुगर जो है मतलब जलती है, पर कैसे जलती है? आग में हम लोग को डालना पड़ता है, पर अगर डायरेक्टली हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे रख दे और बिना माचिस के इसे जलाने के लिए जाए तो नहीं जलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ इस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट को, अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अगर मिक्स कर दे हम लोग कुछ इस तरीके से, तो कर दिया काफी सारा पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं लाइटर नहीं माचिस नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसे जो है मतलब घिसेंगे कुछ इस तरीके से, देखते हैं मतलब आग लगती है नहीं लगती है। तो देखो क्या आग लगेगी गाइस, इसके जो हम लोग बारीक कर लेंगे। और गाइस बाय द वे इनका बर्थडे, ठीक है, तो मेरे पापा का बर्थडे है, तो भाई यार हैप्पी बर्थडे लिख देना कमेंट में जो है, हैप्पी बर्थडे जरूर से लिख देना भाई, ठीक है। जो जल चुका है काफी देर बाद, और ये जो है जल रहा है खतरनाक तरीके से जल है यार। देखा गाइस कुछ इस तरीके से होता है, अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और शक्कर को हम लोग मिक्स कर दे तो इस तरीके से जो आग जल जाती है, और अभी जो है जल रही है। ये बिल्कुल ही रियल है, कुछ भी नहीं डाला, देख सकते आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट जो आगे भी हम लोगों ने वीडियो में यूज किया है, और ये आज जो है शक्कर के साथ में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो खतरनाक तरीके से जो है जल चुका है ये पूरा, तो सब कुछ जला दो। अभी भी जला है, यही था यार आज के लिए, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर देना, ये दुआ बहुत दे रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।